गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल विथ योर फैमिली एट योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड मोरल वैल्यू ब्रिक बाय ब्रिक फ्रॉम क्लास 8। सो लेट्स स्टार्ट लेसन 7, पेड इन द सेम कॉइन। ओके, इन दिस स्टोरी बेस्ड ऑन टू फ्रेंड्स एंड इस स्टोरी में दो दोस्तों की कहानी के बारे में बताया गया है और उसमें इस कहानी में लालच के बारे में बताया गया है कि लालच करने से क्या दुष्परिणाम होता है। तो इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, लालच करने से क्या नुकसान होता है उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इसको पढ़ करके हम समझते हैं। देखिए, व्हाट इज ग्रीड, लालच क्या है? व्हेन वी वांट टू पोसेस मोर देन वी नीड टू ऑफ समथिंग, जब हम कोई ज़्यादा चीज़ पाने की इच्छा करने लगते हैं, वी आर ग्रीडी, तब हम ग्रीडी लालची बन जाते हैं। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीड, आज के इस तेज भागती दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं लालच के। डिसऑनेस्ट एंड ग्रीडी पीपुल, बेईमान और लालची व्यक्तियों का ग्रुप, इवन कंपनीज़, यहाँ तक कि कंपनीज़ में भी इफ़ समवन वांट्स मोर देन देयर फेयर शेयर, स्पेशली एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स, यदि कोई चाहता है कि वो अपने चीज़ों को दूसरे शेयर करे, बांटे, स्पेशली अपने व्यय आय को, एक्सपेंसेस को, जो उनके एक्सपेंस होते हैं, व्यय होते हैं, उन को किसी दूसरे पर व्यय करें, इट इज़ ग्रीड, तो यह क्या हो जाता है? ग्रीड मेक्स अस अनलाइकेबल। और ग्रीड क्या होता है? अनलाइकेबल, लालच को कोई पसंद नहीं करता है, वो अनफ्रेंडली होता है, अमित्रवत होता है। एज ऑल अटेंशन इन फोकस सॉलिडली ऑन आवर सेल्फिश वॉन्ट्स, और यह केवल हमारे ऊपर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है कि कितने सेल्फिश हमारी जो इच्छाएं हैं वो कितनी सेल्फिश होती हैं। रीड दिस स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो दोस्तों के बीच में ग्रीड आ जाता है और उन उसमें से एक के पीछे ग्रिड आने से सभी चीज़ किस तरीके से नष्ट हो जाती है, सब चीज़ किस तरह से खत्म हो जाता है। मैनी इयर्स एगो टू यंग मैन कॉल्ड राम एंड श्याम लिव्ड इन अ टाउन। बहुत साल पहले दो नौजवान व्यक्ति जिनका नाम राम और श्याम था, वह एक शहर में रहते थे। राम वॉज वेरी रिच बट श्याम वॉज पुअर। राम बहुत अमीर था लेकिन श्याम बहुत गरीब। दे स्पेंड टाइम विथ ईच अदर विदाउट एवर थिंकिंग अबाउट देयर डिफरिंग स्टेचर इन सोसाइटी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे बिना यह सोचे कि उनके इस डिफरेंट, अलग जो उनका स्टेचर है, उनकी जो हाइट है या उनका जो रुतबा है, उसके बारे में समाज क्या सोचेगा। इन सब के से परे वो होकर के एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। वन डे श्याम बोरोड 5,000 rupees फ्रॉम राम, सेइंग दैट ही नीडेड इट टू रिकंस्ट्रक्ट हिज ओल्ड हाउस। एक दिन श्याम ने 5,000 rupees राम से उधार लिया, यह कहकर कि उसे अपने पुराने घर को रिकंस्ट्रक्ट कराना है, इट मीन्स रिबिल्ड कराना है, मरम्मत करवाना है। राम
asked him to return the money in a few months and Shyam agreed to do so. राम ने उसे कहा कि वह उसे उस रुपए को कुछ महीने में वापस कर दे और श्याम उसके इस बात से सहमत हो गया. Not even a month had passed when Ram started asking Shyam to return his money. एक महीने भी नहीं बीते थे राम ने श्याम से रुपए मांगना शुरू कर दिया. राम ने कहा कि अब वह उसे उसके पैसे वापस कर दे. श्याम was perplexed और श्याम उससे क्या हो गया, कन्फ्यूज्ड हो गया, भ्रमित हो गया कि ऐसा राम क्यों कह रहा है. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड राम्स बिहेवियर, वह राम के इस व्यवहार को नहीं समझ सका. ही सेड आई कैन नॉट रिटर्न द मनी सो अर्ली, उसने कहा मैं तुम्हारे रुपए को इतनी जल्दी वापस नहीं कर सकता. आई हैड प्रोमिस टू पे द मनी इन अ फ्यू मंथ्स टाइम, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे रुपए को कुछ महीने बाद वापस कर दूंगा. नॉट इवन अ मंथ इन ओवर, ना ही इस महीने के ख़त्म होने तक में. इफ़ आई हैड द मनी टू रिपे सो क्विकली, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें तुरंत ही वापस कर देता. वाई वुड आई हैव बोरोड इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे तब पैसे ही उधार क्यों लेता. लिटिल डिड श्याम नो द रियल रीज़न फ्रॉम राम्स चेंज्ड बिहेवियर, श्याम थोड़ा बहुत राम के इस बदले हुए स्वभाव से बदले हुए व्यवहार के कारण को थोड़ा समझ रहा था. सम पीपुल हैड टोल्ड हिम, कुछ व्यक्तियों ने उससे कहा था कि श्याम ओन्ड अ ब्यूटीफुल गोल्ड नेकलेस, कि श्याम के पास एक बहुत सुंदर सोने का हार है. अ गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर, उपहार उसकी माँ के लिए. कुछ लोगों ने राम से कहा था कि श्याम के पास सुंदर एक सोने का सुंदर हार है जो उसने अपने माँ के लिए रखा हुआ है, अपने माँ को देने के लिए उपहार के रूप में. राम हैड हिज आइज ऑन हिज वैल्यूबल गोल्ड नेकलेस एंड वॉन्टेड टू टेक इट अवे फ्रॉम श्याम, राम की आँखों में अब उस सोने के उस कीमती सोने के हार को लेने की चाहत हो गई कि वह श्याम से उस हार को ले ले. श्याम अगेन बेग्ड राम टू अंडरस्टैंड हिज फाइनेंशियल स्टेट एंड बेग्ड हिम टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर द मनी ड्यू टू हिम कुड बी पेड. श्याम ने राम से फिर से कहा, उसको समझाते हुए बताया, उसे याचना की कि उसकी अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह कुछ समय और उसको दे और इंतज़ार करे, वह उसके पैसे तुरंत ही लौटा देगा. जैसे उसके पास पैसा आएगा वैसे ही वह उसके रुपए वापस कर देगा. बट राम डिड नॉट गिव अप, लेकिन राम ने उसे नहीं छोड़ा. ही वेंट टू एक्सटेन of asking Shyam to come to court to settle the dispute. और वह राम को राम श्याम को उस मामले को लेकर के उस बात को लेकर के कोर्ट में आने के लिए कहा कि अब कोर्ट में ही जा कर के हमारे इस बात का फैसला होगा. अब देखिए क्या होता है, अब उसके आगे जब पैसे लेने के लिए उसने कहा तो श्याम की हालत अच्छी नहीं थी, वो गरीब था, तो राम को लालच आ गया, राम के मन में लालच आ गया कि वो पैसे के बदले में उससे सोने का हार ले ले. लेकिन राम ने वह सोने श्याम ने वह सोने का हार अपने माँ के लिए रखा हुआ था, तो उसने उससे लिए कुछ समय मांगा कि मुझे कुछ समय दे दो, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा. लेकिन राम ने नहीं उसकी बात मानी और वह उसे कोर्ट में आने के लिए कहने लगा. अब देखिए राम ने किस तरीके से उसे कोर्ट में ले गया और क्या हुआ उसके आगे, श्याम ने किस तरीके से उस बात को ख़त्म किया उसके बारे में देखिए. बट हाउ Can I reach the court?
लेकिन मैं कोर्ट कैसे आ सकता हूँ? आई डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रेवल, सेड श्याम। मेरे पास वहाँ तक जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, श्याम ने कहा। टेक माई बुलक कार्ट, सेड राम। राम ने कहा, मेरी बैलगाड़ी ले लो। एंड वॉट अबाउट क्लोथ्स? आई डोंट नॉट ओन इवन वन डिसेंट सेट ऑफ क्लोथ्स टू वियर टू द कोर्ट, लेमेंटेड श्याम। और कपड़े के बारे में क्या? मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है जिसे पहनकर मैं कोर्ट में आ सकूं, श्याम ने कहा। टेक माई क्लोथ्स, डू नॉट वरी, आई हैव मैनी, ऑफर्ड राम। राम ने उसे ऑफर करते हुए कहा कि मेरे कपड़े ले लो, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। एंड शूज, हाउ कैन आई वॉक इन साइड द कोर्ट विदाउट शूज? और जूते? अब श्याम क्या कर रहा है? मैं बिना जूते का कोर्ट में कैसे आ सकता हूँ? मैं बिना जूतों के पैदल चल के नंगे पाँव कोर्ट में कैसे आ सकता हूँ? कंप्लेंट श्याम। श्याम ने इस बात की भी शिकायत की राम से। हियर आई विल गिव यू माइन, वॉज राम आंसर। अब राम ने क्या उत्तर दिया? यहाँ आई विल गिव यू माइन, मैं तुम्हें अपने जूते दे दूंगा। सो एज इट टर्न्ड आउट, श्याम वेंट टू द कोर्ट इन क्लोथ्स एंड शूज ही हैड बोरोड फ्रॉम राम एंड आल्सो ट्रेवल्ड इन राम्स बुलक कार्ट। तब वह श्याम के दिए हुए कपड़े जूते पहन करके बुलक कार्ट में बैलगाड़ी में बैठ करके जो राम ने उसे दिए थे उसको पर बैठ करके वह कोर्ट में पहुंच गया। व्हेन दे फाइनली अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द जज, श्याम आस्क्ड राम। जब वह अंततः जज के सामने पहुंचा तब श्याम ने राम से पूछा, टेल मी हूज क्लोथ्स आर दिस, यह बताओ कि यह कपड़े किसके हैं? माइन, सेड राम। राम ने कहा, मेरे। हूज शूज एम आई वेयरिंग, किसके जूते मैंने पहने हुए हैं? दे आर माइन, सेड राम। राम ने फिर कहा कि यह मेरे हैं। एंड द बुलक कार्ट आई ट्रेवल्ड इन दिस मॉर्निंग, आस्क्ड श्याम। और यह बैलगाड़ी जिससे मैं सुबह बैठ करके यहाँ आया हूँ, श्याम ने पूछा। दैट इज़ माइन, सेड राम, वह भी मेरा है, राम ने कहा। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट स्टार्टेड लॉफिंग, और कोर्ट में जितने लोग भी बैठे हुए थे वे सभी लोग हंसने लगे। श्याम स्टार्टेड टू स्पीक, श्याम ने बोलना शुरू किया। योर ऑनर, प्लीज नोट दैट माई फ्रेंड राम सीम्स टू बी इन कन्फ्यूज मेंटल स्टेट। मेरे योर ऑनर, कृपया इसे नोट कीजिए, लिखिए कि मेरा दोस्त राम जो बहुत ही भ्रमित दिखाई दे रहा है, उसकी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति कन्फ्यूज दिखाई दे रही है। ही हैज़ हैरेसिंग मी टू गिव हीज हिम सम मनी, वह मुझे प्रोवोकिंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है कि मैं उसे कुछ रुपए दे दूं। नाउ ही थिंक्स ऑल द थिंग्स आई पॉसेस बिलोंग टू हिम, और अब वह यह सोचता है कि मैंने जो भी कुछ पहने हुए हैं इस समय और जैसे मैं आया हूँ जिस साधन से, वे सारे चीज उसी के हैं, वह इसका स्वामी है। वॉट कैन आई डू, आई सिंपली फेल टू अंडरस्टैंड दिस हिज इरेटिक बिहेवियर, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ इसके इस इरेटिक बिहेवियर के कारण, इसके इस टेम्परामेंटल बिहेवियर के कारण, बर्ताव के कारण। द जज एग्रीड विथ वॉट श्याम वॉज सेइंग, और जज श्याम के बात से सहमत हो गए कि श्याम क्या कहना चाह रहा है। ही डिसमिस द केस, और उन्होंने उस केस को उसी समय खारिज कर दिया। राम वॉज लेफ्ट विथ नो ग्राउंड टू हैरेस श्याम एनी फर्दर, राम के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि वह श्याम को किसी भी तरह से अब परेशान कर सके। इन दिस वे श्याम वॉज सक्सेसफुल इन
foiling Ram's plan to take away his mother's gold necklace and also teach Ram a lesson. और इस तरीके से श्याम ने राम को सबक सिखाया और उसे अपने माँ के सोने के नेकलेस लेने से भी बचाया. ग्रीड इज एविल एंड डिस्ट्रॉयज लॉजिकल थिंकिंग. ग्रीड, लालच बुरा होता है. लालच सबसे बुरी चीज़ होती है. लालच करना बहुत ही ख़राब होता है. वह आपकी तार्किक सोच को, आपकी सोच, आपकी समझ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है. इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि हमें लालच नहीं करना चाहिए. हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसे ही हमें आगे रखना चाहिए और फालतू की बेवजह चीज़ों की मांग करके लालच नहीं करना चाहिए. ज़्यादा लालच करने से क्या होता है, हमारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वे भी ख़त्म हो जाती हैं, हमारी अच्छाई ख़त्म हो जाती है. बुराई, लालच करने से हमारे ऊपर बुराई हावी होने लगती है. और देखिए इसमें श्याम और राम जो बहुत अच्छे दोस्त थे, अमीर और गरीब जहाँ तक कि थे, श्याम गरीब था, राम अमीर था, दोनों के बीच में कोई वो नहीं आता था. वो सामाजिक परिस्थिति से, ऊंच नीच के भेदभाव से दूर होकर के अपनी दोस्ती को कायम रखे थे. लेकिन एक छोटी सी लालच के कारण दोनों के दोस्ती में दूरी आ गई और जिस कारण से उनका सब कुछ ख़त्म हो गया. अंडरस्टूड? सो बी अवेयर ऑफ द थिंग्स यू नीड. ऑलवेज वॉन्ट्स वॉट यू नेसेसरी थिंग्स. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.